आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है, हमारे सबके नेता, कमजोरों के नेता, शोषितों के नेता, मजलूमों के नेता, कायद मोहतरम वाले जनाब मोहम्मद आजम खान साहब लगभग 2.5 साल से जेल में बंद है। 2020 और 2021 की ईद उनके बिना हमारी गुजरी है, दिवाली उनके बिना गुजरी है, होली उनके बिना गुजरी है। हमारी सारी खुशियाँ, हमारे तेरे सारे त्यौहार सूने रहे हैं उनकी वजह से। लेकिन इस बार इंशाअल्लाह अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ईद से पहले आजम खान साहब हमारे बीच होंगे, इसलिए मैंने डाला है कि ईद पर ईद होगी। ऐसा ऐसा आपको भी ऐसा क्यों लगा कि ईद पर आजम खान आ सकते हैं? अभी एक कोर्ट में एक ऑर्डर रिजर्व रह गया, उस पर अभी ऑर्डर नहीं आया है क्योंकि तो। मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है और मैंने उसी यकीन के एतबार से डाला है कि इंशाल्लाह ईद पर ईद होगी। तो समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं में कितना जोश है आजम खान के आने पे, ईद कैसी मनाएंगे? आपको खुद मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत जुल्म सहे हैं, बहुत तकलीफें सही हैं, बहुत गम सहे हैं। हमारे जैसे कमजोर आदमी ने बहुत गम सहे हैं। हमारे वालिद का इंतकाल हुआ और हमें जेल से पैरोल तक नहीं मिली। हम अपने वालिद के वो बदनसीब औलाद हैं कि अपने वालिद के जनाजे को कांधा तक नहीं दे पाए। इसी तरह से हम लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए, हम लोगों को परेशान किया गया। आजम खान साहब के नहीं होने की वजह से हम एक तरीके से हमने मैंने कहा है कई बार कि मैं मेरे वालिद के इंतकाल की वजह से मैं यतीम हो गया और आजम खान साहब के नहीं होने की वजह से रामपुर शहर राजनीतिक रूप से यतीम हो गया है। तो बहुत तकलीफ दे है, बहुत दुखावा दिल है हम लोगों का, लेकिन अपने अल्लाह से उम्मीद है कि हमारा ये दुखों को खुशियों में बदलेगा वो, और इंशाल्लाह इस बार ईद पर ईद होगी और आजम खान साहब हमारे बीच होंगे। अच्छा सानू भाई, सारी जितने भी आप शिवपाल पहुंचे जेल पे मिलने, और जैन अब चौधरी आए हैं, और सब ये लोग पहुंच रहे हैं, ये सब देखिए आपके बयान के बाद से सब इतने सक्रिय हुए, इसको कैसे देखते देखिए ये हैं? बड़ी राजनीतिक बात है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जो मेरे दिल का दर्द था वो मैंने बयां किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।